नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबरनाओं। मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। लॉकडाउन के बाद लगातार जो है लोग जो है उनकी सुविधा के लिए और उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए लोग जो हैं उतर रहे हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो या गैर सरकारी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर एक संस्था वाला जो है वो बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो है उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं कि वो 1 से 1.5 मीटर का फासला जो है वो रखे और जो है गरीब और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए खाने का वितरण जो है यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो दूरी बनाकर जो है ये खाना ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लॉकडाउन के बाद लगातार जो है लोगों के लिए तमाम हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो है लोग कोई खाने ले लेना भैया, पानी भी है, पानी है, पानी लेना, पानी भी ले लेना भैया। चलते रहिए, हाथ धो के आराम से खाओ, पानी ले लेना, पानी भी है सब। जरूरतमंद लोग हैं लॉकडाउन के बाद जिनको खाने की दिक्कत हो रही है उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे खाने का बंदोबस्त जो है वो किया जा रहा है। ये सब बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। युवा मंच आर्डर हुए सनलाइट फ्रॉम जो है पूरी टीम वहीं से आर्डर किए थे। हम पिछले कई दिनों से अपने जो आपस में कंट्रीब्यूट करके जो भी हमसे हो सक रहा है, खाने की सामग्री, कोल्ड ड्रिंक, पानी, बच्चों के लिए बिस्किट, दूध, इस टाइप की सामग्री जो भी इकट्ठा हो पा रही है वो इकट्ठा करके हम पूरी टीम चार पाँच दिन हो गए लगातार हमने सोचा कि घर में बैठने से सभी घर में बैठ जाएंगे तो लोगों को मदद नहीं मिल पाएगी, इसलिए अपनी सेफ्टी को साथ ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस बनाते हुए हमने जो खाना भी प्रोवाइड करा रहे हैं और जो जरूरत की चीज़ें वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन के बाद जो है जो लोगों को खाने की रहने की दिक्कत हो रही है, तो खाने की व्यवस्था जो है ये लगातार 4-5 दिन से जो है यहाँ पर करा रहे हैं। साथ ही पानी की व्यवस्था, कोल्ड ड्रिंक की बच्चों के लिए बिस्किट आदि की व्यवस्था जो है यहाँ पर संस्था द्वारा जो है वो कराई जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं जरूरतमंद लोग हैं वो आपको यहाँ पर खाना खाते हुए नजर आएंगे और साथ ही जो है आप लोग वहीं रहिए जहाँ पे डिस्टेंस बनाने की भी लगातार अपील कर रहे हैं। लगातार दूरी बना के रखिए और वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों में पलायन के बाद रोकने के आदेश के बाद भी यहाँ पर कुछ लोग हमें नजर आ रहे हैं। आप बरेली से बिलोंग करते हैं बट हम रोहतक से आए हैं, तो वहाँ पे हमें इतनी परेशानियाँ हो रही हैं कि मुझे रहना मुश्किल किया जा रहा है। तो आपको क्या क्या परेशानियाँ? मैं हर बार में अपने मैं रेंट पे रहता हूँ तो रेंट का किराया हर बार मैं टाइम से देता था, इस बार टाइम से नहीं दे पाया इसके कारण मुझे परेशान किया गया, उसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से सरकार जो है लगातार दावे कर रही है, लगातार जो है बोल रही है कि किराएदार जो है वो किराया ना मांगे, उसके बाद ही आपसे किराया मांगा जाए। मैम मैंने 100 नंबर पे फोन भी किया बट हमारी फोन ही रिसीव नहीं। तो देखिए एक तरफ जहाँ सरकार जो है बड़े बड़े दावे और बड़े बड़ी योजनाओं की जो है बात कर रही है, वहीं कुछ लोग जो है वो इन योजनाओं से जो है अछूते नजर आ रहे हैं और वो अभी भी जब कड़े जो है केंद्र सरकार ने आदेश दे दिए हैं उसके बाद भी जो है पलायन करने को मजबूर है। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस संस्था की बात करें तो ये लगातार जो है जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की व्यवस्था जो है वो करा रही है। लगातार 5-6 दिन से जो है वो ये व्यवस्थाएं करा रही है, चाहे वो पानी की हो या खाने की हो, और साथ ही ये जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की भी बात जो है लगातार जो है दिए जा रहे हैं और साथ ही वहाँ सैनिटाइजेशन का भी पूरा जो है बंदोबस्त किया गया है। आइए इसी संस्था के और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप भी संस्था का काम कर लगभग 6 महीनों से आप
आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है दिल्ली सरकार ने आप सभी के लिए रहने और खाने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है, आपको दिल्ली छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी जो है पलायन जो है उस वो नहीं रुक रहा है, अभी भी कुछ लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर बैनर जो है वो लगाए गए हैं जिसमें लिखा है कि दिल्ली सरकार ने आप सभी के लिए रहने और खाने का इंतज़ाम कर लिया है, आपको दिल्ली छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनका भी ये कहना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आपके रहने और खाने का इंतज़ाम जो है वो किया गया है, आपको पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी परसों जो है 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है वो पलायन किया है। हालांकि अब जो है सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं, केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद सभी सीमाएं जो हैं राज्य की वो सील कर दी गई हैं।